अमरकंटक से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 48 घंटे के लिए पूर्णतः लॉकडाउन कर दिया गया है। अमरकंटक में धारा 144 लागू कर दी गई है, साथ ही मंदिर को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। दरअसल यह खबर मिल रही थी कि 4 लोगों का तापमान 48 से 41 डिग्री आया, किंतु प्रशासन ने इसके संबंध में बताया कि इसके विषय में कोई जानकारी नहीं मिली है। मानरवदा मंदिर अमरकंटक से हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी एडिटर आरपी मिश्रा, जो हमें इस विषय में और जानकारी देंगे। तो आइए सीधे ले चलते हैं आपको मानरवदा मंदिर अमरकंटक में। जैसे कि आप देख सकते हैं अनूपपुर जिला, ये नर्मदा उद्गम है, नर्मदा उद्गम मंदिर, जो अभी अभी SDM से आदेश आया है कि मंदिर एंड पूरा अमरकंटक 48 घंटे के लिए लॉक कर दिया जाए। 144 धारा पूर्णतः लग चुकी है। 4 लोग इकट्ठे खड़े ना हों, मास्क का उपयोग करें, अगर गाड़ी से आए हैं गाड़ी को सैनिटाइज करके जाएं। यहाँ पर सुना गया है कि 4 लोगों को 38 से 41 टेम्परेचर निकला है, क्योंकि अभी किसी को भी ये पता नहीं है कि वो कौन बंदे हैं, कहाँ हैं, कैसे। यहाँ प्रशासन से पूछने पे मना कर दिया गया। जैसा कि SI मैम से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि हमको केवल 48 घंटे के लिए ये आदेश मिला है कि अमरकंटक को लॉक कर दिया जाए। 4-व्हीलर 2-व्हीलर वगैरह गाड़ियाँ बंद रहेंगी, दुकानें ऑफ रहेंगी, मार्केट से सब्जी और दूध की होम डिलीवरी रहेगी, जिसका टाइम जो पहले चल रहा था वही रहेगा। तो जनता से एक ही अपील कि जो जहां से आए हैं, कृपया अपनी अपनी जगह पहुंचें, सैनिटाइज एंड मास्क का उपयोग करें, डिस्टेंस बना के रखें। बने रहिए BSP 24 न्यूज़। डिप्टी एडिटर आरपी मिश्रा के साथ, धन्यवाद। अभी मंदिर में, नर्मदा मंदिर में पता लगा कि कुछ लोगों का टेम्परेचर हैवी हुआ है, ऐसा पता लगा। तो क्या आप लोगों के लिए प्रशासन को कोई जानकारी आई है? नहीं नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। अभी जो आदेश आया उसके तहत मंदिर बंद करवाया जा रहा है, सारी जो मार्केट है वो भी बंद करवाया जा रहा है, सभी लोगों को खजाने की हिदायत दी जा रही है। अभी ऐसा कोई नहीं आया है कि अमरकंटक में कोई पॉजिटिव, कोई भी जानकारी नहीं, यानी केवल आदेश आया है। हाँ, तो लॉकडाउन करना है, उसका आदेश का पालन किया जा रहा है। थोड़ी सी मैम उस बारे में ये बताएंगे कि किस बेस में वो आदेश आया है, ये कोई आप लोगों की जानकारी? पहले जो पॉजिटिव आए थे ना, इस वजह से। इस वजह से जी, ये लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत भीड़ हो रही है ना, तो कहीं ये बढ़ ना जाए, इस वजह से। जी जी, तो ये कितने दिन के लिए अभी आदेश मिला है? 2 दिन के लिए है, 48 घंटे के लिए। हाँ, तो ये टोटल लॉकडाउन रहेगा? जी, ये टोटल लॉकडाउन रहेगा। इसमें मेडिकल जो उसमें दिए गए हैं आदेश में, कि मेडिकल की सुविधा या दूर वाले का भी समय निर्धारित किया गया है, उसमें पर्टिकुलर वो 12-9 बजे तक जी, मतलब उनको टाइमिंग दी गई है। हाँ, पहले आदेश था, वैसे अभी वही है। बाकी जैसे वाहन है 2-व्हीलर या 4-व्हीलर, इनका कोई आदेश नहीं, नहीं है ना? बाकी सब अभी अपने मास्क का उपयोग करेंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, जिससे पहले आदेश है कोविड-19 से जितनी सावधानियां थी सब उसका उपयोग करेंगे।